दर्शक मित्रों, श्रावण महीनो एटले वरसादी वातावरण अने लीलीछम हरियाळीनो महीनो। श्रावण महीनो एटले वार तहेवार अने उपवासनो महीनो। आ महीनामां घणा बधा तहेवारो आवे छे। आ बधुं भेगुं थवाथी रोगचाळो पण एटलो ज आवे छे। आजे आपणे श्रावण महीनामां शुं खावाथी फायदो थाय अने शुं खावाथी बचवुं जोईए तेना विशे माहिती मेळवीशुं। आगळ वधीए ते पहेला जो हजु सुधी तमे अमारी चेनलने सब्सक्राइब नथी करी तो अत्यारे ज करो के जेथी करीने अमारा दरेक वीडियोनुं नोटिफिकेशन तमने मळे सौथी पहेला। श्रावण महीनामां लीली शाकभाजीओ खावाथी बचवुं जोईए। दर्शक मित्रों, श्रावण महीनामां वरसाद खूब ज पड़े छे। वधारे पड़तो वरसाद पड़वाथी लीली शाकभाजीओ खास करीने लीला पांदड़ावाळी भाजीओमां बेक्टेरिया अने जीवजंतुओ पड़े छे। वधारे पड़ता पाणीना लीधे वनस्पति में जंतुओ अने बेक्टेरियानो ग्रोथ वधी जाय छे अने आ जीवातवाळी शाकभाजीओ खावाथी पेटने लगती बीमारीओ थाय छे। श्रावण महीनामां दूध अने दूधनी बनावटो खावी जोईए नहीं। दर्शक मित्रों, श्रावण महीनामां आपणी पाचन शक्ति खूबज नबळी पड़ी जाय छे अने दूधमां फेटनुं प्रमाण वधारे होवाथी ते पचवामां भारे पड़े छे। श्रावण महीनानी सीजनमां दूधनो उपयोग करवाथी पेटमां गैसवायुनी समस्या थई शके छे। दूधनी बनावटोनो उपयोग करवाथी घणीवार फूड पॉइजनिंगनी तकलीफ थती होय छे। श्रावण महीनामां पचवामां भारे पड़े अने तळेली वस्तुओ खावी जोईए नहीं। दर्शक मित्रों, श्रावण महीनामां पाचन शक्ति मंद होय छे तेथी पचवामां वधारे समय लागे अने वधारे पड़ती तळेली वस्तुओ शरीरना माटे नुकसान करता छे। तेथी वधारे पड़ती तळेली अने हेवी वस्तुओ खावी जोईए नहीं। श्रावण महीनामां जल्दी पची जाय तेवो ताजो अने गरम खोराक खावो। दर्शक मित्रों, श्रावण महीनामां गरम पदार्थों गरमा गरम प्रवाही सूप स्टार्टर गरम लिक्विड पदार्थों जेम बने तेम वधारे उपयोग में लेवा जोईए। श्रावण महीनामां वातावरण में भेजनुं प्रमाण वधारे होवाथी आपणा शरीर में पण पाणीनुं प्रमाण वधी जाय छे तेथी पाचन शक्ति नबळी पड़ी जाय छे। माटे श्रावण महीनामां जेम बने तेम गरम पदार्थों वधारे उपयोग में लेवा। श्रावण महीनामां दूधी तुरिया वगैरे जेवा हळवा शाकभाजी उपयोग में लेवा। दर्शक मित्रों, वेला पर थती दूधी अने तुरिया जेवा शाकभाजी श्रावण महीनामां लई शकाय। दूधी अने तुरिया पचवामां हळवा होय छे तेथी तेनो उपयोग करी शकाय। ज्यारे श्रावण महीनामां रींगणनो उपयोग करवो जोईए नहीं। रींगण मोटा भागे सड़ावाळा अने जीवातवाळा होय छे। श्रावण महीनामां हरडेनो उपयोग जेम बने तेम वधारे करवो जोईए। हरडे पेट साफ राखे छे अने पेटना रोगोथी बचावे छे। श्रावण महीनामां पेटनुं स्वास्थ्य सारुं राखवा हरडे खूब ज फायदाकारक छे। श्रावण महीनामां उपवास करवा फायदाकारक छे। दर्शक मित्रों, धार्मिक अने वैज्ञानिक बंने दृष्टिए जोईए तो श्रावण महीनामां उपवास करवा शरीरना माटे उत्तम छे। श्रावण महीनामां शरीरमां पाणीनुं लेवल वधवाथी जठरनो अग्नि मंद पड़ी जाय छे, पाचन शक्ति घटी जाय छे, भूख ओछी थई जाय छे अने आ महीनामां रोगचाळो पण खूब ज वधी जाय छे। तेथी पेटनું આરોગ્ય સારું રાખવા વ્યક્તિએ હંમેશા ઉપવાસ કરવા જોઈએ।